वाह वाह, दिखाओ कुत्ते जय श्री राम। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। और गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी, तो अभी जस्ट टूटा हूँ। इट्स करीब 11:30 बज रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी रात भर, सोने में काफ़ी दिक्कत थी। सो अभी उठे और थोड़ा सा चाय पानी पी के, काढ़ा वाड़ा पी के, और अभी हमको काम है गाइस। अभी हमको जाना है डीजल लाने के लिए। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं डीजल लाने के लिए, क्योंकि हमको खेत जोतना है अपना जो खाली हुआ था, तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं। पिछले हमने डब्बा ले लिया है, तो चलते हैं डीजल ले आने गाइस। डीजल 12 से के पेट्रोल का करवे हम साल चला रहा है वो खाली करे प्रताप अरे पेट्रोल ऐसी चीज खाली ना करे हैं डीजल वाले भी खाली कर लो पेट्रोल खाली करने वाला नहीं है उड़ जात है तो भाई चिक्कू भी रील देख रहा है यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहा है। सो है गाइस, शाम के बज चुके हैं 4:15 और अभी हम बैठे हैं अपने घर के बाहर। और सुबह हम खेत में जोतने नहीं जा पाए थे, हम डीजल तो ले आए थे क्योंकि हमारे पास पीटीओ शॉप नहीं थी, जो टोटा बेटा में लगता है वो हमारा पल्लू बाबा लेकर गए थे। तो दोपहर में खेत जोतने के लिए गए थे, तो इसीलिए हम नहीं जोत पाए। और अभी हमारा पीटीओ शॉप हमारे पास आ चुका है और हमने करिंगन को और संदीप को बुलाया है। गया हूँ उनको, दो बार बुला के आया हूँ। और इधर जो हमारी सड़क किनारे वाली सरसों है वो इकट्ठा हो जाए, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और जब कहीं बारिश वगैरह हो जाएगी तो फिर सरसों ख़राब होने का डर है। भाई तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, कहीं गए नहीं, तो फिर भी आराम नहीं किए घर पर। तो अभी 12 से 3 कहीं नहीं जाना, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है और तबीयत ख़राब है, तो और भी तबीयत बिगड़ सकती है। तो भाई जब करिंगन और संदीप आ जाए तो हम लोग चलते हैं साथ में, उनको लगा देंगे कि सरसों तुम हो और हम अपना खेत जोतने के लिए स्टार्ट कर देंगे। और सारा कुछ काम कंप्लीट है, ट्रैक्टर को हमने ग्रीस पानी कर दिया, डीजल वगैरह भी डाल दिया है और साफ़ सफाई भी कर दी ट्रैक्टर की। तो अभी इंतज़ार है, वो लोग आ जाएँ तो फिर हम लोग चल दें। तो यही है वो पीटीओ शॉप जो बल्लू बाबा मांग के ले गए थे अपना खेत जोतने के लिए, क्योंकि उनका रोटावेटर ख़राब हो गया है, तो यही ले गए थे। और इधर अफसर भाई अपने पैर वैर की साफ सफाई करते हुए। कहा पागल, कहाँ घूमते हो, कहाँ घूम रही हो, हैं तू पागल? Thank you.
चलो भी हो गया है काम से। वो क्यों रोक गया भैया? चला उतार कर खिलाएंगे, फिर इधर भी कर देंगे। तो ये गाइज अभी हमारे रोटावेटर का नेट टूट गया है जो सॉफ्ट को घुमाता है, तो देखते हैं है कि नहीं है, लाना जाना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा नेट टूट गया, तो देखो तुम्हारा डिग्गी में है को गई। तो देखते हैं गाइज अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर लेके आएंगे। टूटा नेट तो इसमें है एक, लेकिन बिना टूटा नहीं गाइज, देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो हमारे पास पकड़ो, जो जो नहीं तो पकड़ो, हमारे पास जुगाड़ है, हम उसको लगा देंगे। सर आपको पता है मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं उससे काम चलाऊंगा, लेकिन इतने टाइम जोत के जाऊँगा क्योंकि गाइज सुबह कौन आएगा फिर, और कितने नेट टूटे पड़े हैं, ये सारे जितने नेट हैं सब किसी रोटी नेट है, इसको काफ़ी मेहनत लगती है। एक नेट शायद मिल गया है, इसको हम लगा देते हैं किसी तरह काम करें, और दूसरा नेट ढूंढ लेते हैं जो उसमें मिलेगा। ये तो नहीं गाइज, नीचे खड़े हो भाई, नेट तो कई होंगे, सारे टूटे नेट हैं, तो देखते हैं कोई नेट काम कर रहा है कुछ। तो गाइज हमने जुगाड़ फिट कर दिया रोटावेटर की पुली में, और अभी हमारा ये दो पाटा रह गया, इसको जोत देते हैं और देखते हैं अगर ये भी जोत जाता है तो, नहीं तो सुबह जोत देंगे इसको, क्योंकि नेट टूट गया था तो जुगाड़ कर दिया है, अभी ये वाला जोत देते हैं। गाड़ी सामने चला रहे हैं, काटो ना, इधर देखो,
तो गाइस अभी हम घर आ गए। तो गाइस खांसी आ रही और आप देख सकते हैं मैं कैसा हो गया हूँ। सब सारी कब आयो पहला ही कब आयो कहाँ बैठे रहे हो सब सबका ऐसी ना हाँ बढ़िया बना के तकली से अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए और अफसर भाई देखिए लाल कलर का कपड़ा पहने हैं जो इनकर बिल्कुल भी नहीं सूट कर रहा है। मैं यही कहना चाहता था इनके बाल भी लाल हैं और कलर भी देखो वापस ऐसी और ये वापस करने जा रहे हैं थोड़ा साफ हो जाए जो कि इसके भी यहाँ से लाए हों अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हों तो आप लोग देखिएगा कि ये पहन चुके हैं शर्ट उसके बाद वापस करने जा रहे हैं। तो शर्ट तो आज वापस हो जाएगी लेकिन ब्लॉग कल आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीकू हे चीकू चीकू अरे उठोगे हे चीकू उठोगे हैं उठोगे बाबू नहीं उठोगे सो गए अभी चुम्मी ले ले गाल पर चुम्मी ले ले पोछ ली पोछ ली। चीकू बेटा उठ जाओ शाम हो गई चीकू उठो ले चीकू चीकू आंखें खोलो आंखें खोलो आंखें। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे और हम बना रहे हैं चाय। चाय हम अपने लिए बनाएंगे घर के लिए बनाएंगे और हमारे दोनों जो भाई काम कर रहे हैं उनके लिए भी लेकर चलेंगे चाय और थोड़ा चाय वाय पिला दे उनको तो उनका भी काम करने में मन लगा रहे। तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो दो टाइम दवाई खानी पड़ी सुबह भी दवा खाए थे हाइड्रोक्लोराइड तो उससे काफ़ी अभी इफेक्ट पड़ रहा है और शाम को भी दवा खाए थे तो उससे कुछ ज़्यादा दिक्कत लाभ नहीं हुआ था लेकिन अभी जो दवा खाएँ उससे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और चाय हमारी बन नहीं है उधर हमने चला दिया है और चाय पत्ती हमारी ख़त्म हो गई थी समर गया चाय पत्ती लाने के लिए तो चाय पत्ती आ जाए थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के फिर चाय लेकर चलते हैं गाइज। तो गाइज समर चाय पत्ती तो लेकर आए लेकिन वो गलत चाय पत्ती ले आए हमने उनसे कहा था कि ताज़ा लेकर आना 10-10 वाली और ये 5-5 वाली सोना का अच्छी देखो ले आए। ये चाय पत्ती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव कलर रहते हैं और कलर वाली चाय पत्ती नहीं पसंद है मुझे क्योंकि क्या होता है ना ज़्यादातर तो लोग चाय पत्ती में कलर डाल देते हैं उससे कलर तो निकल आता है लेकिन चाय पत्ती का स्वाद टेस्ट नहीं रहता। तो मुझे तो ज़्यादा चाय पत्ती अच्छी लगती है ताज़ा की और ताज़ा की एक मसाला चस्का आती है वो तो बहुत ही बेहतरीन चाय पत्ती रहती है तो ज़्यादातर तो वही प्रेफर करते लेकिन कभी कभी अचानक ख़त्म हो जाती है तो हमको ये वगैरह मंगाना पड़ता है। सर ये दोनों लोग चाय के इंतजार में बैठे हुए हैं चाय पीना है इधर देखो दोनों लोग कहो हाँ पीना है कहो और चाय हमारी धीरे धीरे स्टार्ट है थोड़ा सा इसका फ्लेम हाई कर देते हैं। सो गाइस हमारी चाय पत्ती में उबाल आ गए और इसको ऑफ करना पड़ेगा अंदर बह जाएगी तुरंत
तो ऑफ कर दिया हमने, अब फिर से ऑन करेंगे। तो भाई हमारी चाय रेडी हो गई है और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं अपना, रोटी कद्दू की सब्जी और चाय के साथ। हमको भूख लग गई थी तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और ये दोनों चाय वगैरह नहीं पी रहे हैं अभी, वो तो खेलने में मस्त है। चाय पीना है हर काम है वीडियो में। हम कहे चला दिया ना दो बहुत है क्या ऊपर है बाहर तो ये हो जाए करिका लगाई दियो एक लाइन ये दो लाइन या करिका वो लाग जाएगी लाग गई हो जाए करिका गड़बुआ दे ऊपर बाहर से गलत है जल में गोड़ हाथ देखो सब कुछ साफ है और गलत तो हो पे करिका बड़ी बड़ी दिक्कत हो में बहुत कम गर्म हो जाता है लाहे वाहे मियां खाएं तो नहीं लागत है मियां क्या चाहिए तो चप्पल लिया लेकिन ये टूट गया। हां भाई एक कतवा पे एक कतवा धोवा ना वसा कोने वाला तो लिया भाई। तो भाई अभी हम आ चुके खेत पे और रुको दे दिया है चाय इधर और पीछे इतनी लाही हमारी इकट्ठा हो चुकी है सरसों और अभी इतनी सारी सरसों जो बची हुई है और पीछे की भी सरसों बची है। तो गाइस खेतों में हमने पानी लगा दिया है और आप देख सकते हैं पानी कैसे चल रहा है। भाई फोकस कर ले कर लिया फोकस। तो गाइस हमने खेतों में पानी लगा दिया है और जो कलम में जुताई की थी उसमें पानी चल रहा है गाइस। तो पानी इसमें गाइस पीछे खेतों में पानी चल रहा है और अभी हम खेत में ही हैं। यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था है नहीं, अभी लाइट जो लगी हुई थी वो विवेक खोल लेके घर चला गया था कंबाइन का काम करने के लिए, तो अभी वो वापस लगी नहीं है। एक दो दिन में कल देखते हैं वापस उसको लगवा देते हैं क्योंकि रात में थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर और लाइट रहे तो खेत भी अच्छे लगते हैं और दूर से भी अच्छा लगता है, जानवर वगैरह दिख जाते हैं गाइस। सो हे फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे और अभी हम यहाँ पर अपनी मोबाइल चार्ज करेंगे और कुछ खाना वाना खाएंगे, कुछ खा पी के कंप्लीट होंगे फिर से जाएंगे खेत में पानी देखने के लिए। और मेवालाल चाय पीने के लिए गिलास लेने जा रहे हैं और यहाँ पर रखी है मेवालाल की चाय, मम्मी ने बना के रखी है। तो चीकू दादा यहाँ पर टेढ़े मेढ़े खा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े खाते हैं चीकू दादा, नहीं महेश कटोरी खा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े ख़त्म हो गए अभी महेश कटोरी खा रहे हैं। चीकू दादा कितना खाए हो तुम, कितना खाए हो बताओ जरा, गिरा दिए तुम, ये देखो कितनी मिट्टी लगा दी है चीकू दादा ने। बना रहे हैं तारी और तारी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं, प्याज मिर्चे और लहसुन अदरक गोभी धनिया पत्ती पानी हम गर्म करने डालने के लिए और इसमें आलू हमने ऑलरेडी उबाल लिए क्योंकि आलू हमारे छोटे थे और मटर हमारी फ्रिज में रखी हुई है तो मटर जब ज़रूरत होगी तब लेकर आएंगे, तो पहले आलू को छील लेते हैं। सो गाइस हमारी तहरी की ग्रेवी बहुत तैयार है और बहुत ही स्वादिष्ट है, महक इतनी सुंदर आ रही है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। और चावल हमारे इधर रखे हुए हैं, चावल को भी डालने जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा और पका लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। अभी हम आ गए सड़क पर, हमारा खाना पीना हो चुका है पूरी तरीके से और हमने आज बनाई थी खाने में तहरी, बहुत ही स्वादिष्ट तहरी, हल्का नाक कम हो गया था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी थी। तो अभी हम कहीं चल रहे हैं खेत में अपने, क्योंकि हमने पानी लगा दिया था तो उसको देख लेते हैं, पानी वो खेत हो गया होगा तो दूसरे खेत में लगा देते हैं और उसके बाद रात भर पानी चलता रहेगा गाइस। तो अभी फिलहाल हम सड़क पे ही है। सो हे गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने खेत में और यहाँ पर हम आए थे पानी देखने के लिए क्योंकि शाम को हम पानी लगा कर गए थे। सो गाइस हमने खाना पीना कर लिया था उसके बाद ही हम यहाँ आए हैं। सो गाइस अभी हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं हमारे चैनल पर, अभी नए चैनल पर देख रहे हैं, नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, ये आपके लिए तो बहुत ही छोटी सी बात होगी लेकिन इससे हमें बहुत ही हेल्प मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही बना के रखें, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।